अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास सिक्स अपनी साइंस की बुक देखी प्रोग्रेसिव साइंस इसमें देखिए स्टूडेंट्स हम लोग अपना एस सी टू का सिलेबस यानी कि फाइनल का सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे थे तो इसमें चैप्टर से एक बार चेक कर लेते हैं लेसन नंबर फोर्टीन मैग्नेट जो पार्ट नंबर थर्टीन में हम लोगों ने पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व से कंप्लीट किया है लेसन नंबर सिक्सटीन एयर अराउंडर्स जो पार्ट नंबर फोर्टीन में हमने वन हंड्रेड ट्वेंटी एट पर कंप्लीट किया है आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर सेवनटीन वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट नंबर फिफ्टीन में और पेज नंबर है वन तो पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी निकालें पार्ट नंबर फिफ्टीन होगा और लेसन नंबर सेवनटीन लेसन नेम क्या है वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है तो ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है आज स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्जाम का ठीक है ज नंबर 136 लेसन नंबर 17 और लेसन नेम है वेस्ट मटेरियल ठीक है ये चैप्टर ये चैप्टर हम लोग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फाइनल एग्जाम का लास्ट चैप्टर है ठीक है और ये पार्ट नंबर है पार्ट नंबर 15 यहाँ पर डेट शो करेंगे ठीक वेस्ट मटेरियल एक बार इसका कंटेंट्स चेक कर लेते हैं सॉरी लेसन प्लान वेस्ट वेस्ट जनरेशन टाइप्स ऑफ वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एडवांटेजेज ऑफ रिसाइकलिंग तो फर्स्ट पढ़ते हैं वेस्ट वेस्ट इज़ एनी थिंग विच इज़ नो मोर यूज एंड इज थ्रो अवे कह रहे हैं वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते यानी कि वो दोबारा से यूज़ नहीं की जा सकती वो फेंकने के काबिल है फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर ईटिंग बनाना वी थ्रो अवे द पील इन डस्टबिन बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट कह रहे हैं जैसे कि जब हम एग्जाम बनाना खाते हैं तो जो उसका पील होता है यानी छिलका जो होता है उसको हम डस्बिन में फेंक देते हैं क्योंकि वो वेस्ट है उसका कुछ नहीं कर सकते सिमिलरली इसी तरीके से आफ्टर ईटिंग अ टॉफ़ी टॉफी को खाने के बाद वी थ्रो अवे इट्स रैपर उसका रैपर हम डस्टबिन में डाल देते हैं दी बनाना पील एंड द टॉफ़ी रैपर प्रोटेक्ट द फूड आइटम्स कह रहे हैं कि बनाना का जो पील है छिलका जो है और टॉफ़ी का जो रैपर है वो दोनों ही चीज़ें दोनों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं बट वंस दे आर ईट इंग द बनाना पील एंड टॉफी रेपर आर ऑफ नो यूज एंड हैंस वी थ्रो एनी अवे दीज एस वेस्टेज कह रहे लेकिन जब होनों चीज़ों को खा लेते हैं तो इन दोनों चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं होता बनाना पील का और रेपर का नेक्स्ट है वेस्ट जनरेशन ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी जनरेट वेस्टेज कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट करती हैं वेस्ट द फूड वी गेट और वाटर वी ड्रिंक जनरेट्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा एंड यूरिन कह रहे जो फूड हम लेते हैं या पानी लेते हैं वो जनरेट होता है किसके कैसे एक्सक्रीटा और यूरिन के, के, के उसमें शक्ल में ईच हाउस होल्ड जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे इन अ किचन कह रहे हैं हर हाउस हो हर घर में बहुत सारा वेस्ट जो है वो रोज किचन में से भी निकलता है बाथरूम से एटसेट्रा लॉस्ट ऑफ वेस्टेज आर ऑल्सो फाउंड इन होम्स ऑफिसज हॉस्पिटल्स फार्म स्कूल्स फैक्ट्रीज एट्सेट्रा कह रहे कि यहाँ से भी वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज होता है नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी सेवन टाइप्स ऑफ वेस्ट अब वेस्ट की शक्लें बताएंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं टू टाइप्स के बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल में कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स के जो जो डिकम्पोज कर, करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी इंटू सिंपलर कंपाउंड किस में सिंपलर कंपाउंड में ऑन डिकम्पोजिशन दिस वेस्टेज प्रोड्यूस कम्पोज विच इज़ यूज एज मेन्योर फॉर क्रॉप्स कह रहे हो जब ये डिकम्पोज होता है डिकम्पोजिशन होता है तो हमें यहाँ पर मेन्योर्स मिलते हैं जो क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन कह रहे हैं जो प्रोसेस है वेस्ट को कंपोज करने की वेस्ट को प्रोसेस जो है वेस्ट को कम्पोज करने का वही प्रोसेस क्या कहलाता है कंपोजिशन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पेपर ऑयल क्लोथ्स पीस ऑफ वुड फॉल एन लीव्स रूट एन फ्रूट डेड प्लांट्स एनिमल्स एक्सक्रीटा डेड एंड डिकिंग एनिमल्स ये सभी क्या हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं दीज वेस्ट इज आर रिसाइकल्ड इन नेचर ये वेस्ट जो है वो रिसाइकिल री यूज़ हो जाते हैं हमारे नेचर में अब कैसे होंगे वो हम ये एक्टिविटी पड़ेगा यहाँ कंप्लीट समझ में आएगा नॉन नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज नॉट डिकम्पोज बाई माइक्रो ये माइक्रो ऑर्गेनिस डिकम्पोज नहीं करते हैं इट एक्मलेट्स एंड पॉल्यूट दराउंड ये हमारे सराउंडिंग को पॉल्यूट करते हैं पॉल्यूशन होता है इनसे प्रदूषण नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स केमिकल वेस्ट कैरे इसमें क्या क्या आते हैं केमिकल वेस्ट डिटर्जेंट्स पेंट्स वर्निश एंड द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पॉलिथिन बैग्स मेटल्स मेटेलिक कम्पाउंड ग्लास मरकरी टिन एटसेट्रा आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडल वेस्ट नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसका हम रीयूज कर सकते हैं रिसाइकिल है वो और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको हम रीयूज नहीं कर सकते वो रिसाइकिल नहीं है ठीक है अब नेक्स्ट है वाटर वेस्ट प्रोडक्ट डी यू नो दैट पीपल प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सम ऑफ देम आर गैशियस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहे हैं आप सभी जानते हैं पीपल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट भी जैसे कि क्या है आपका गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सम आर लिक्विड वेस्ट सच है सीवेज एंड अदर आर सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर प्लास्टिक प्रोडक्ट ग्लास बोटल्स ड्रैगो फ्लूट्स ब्रोकन शूज एंड स्टील कैंस रबिश एक्सेट्रा कह रहे हैं कि कुछ लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं कुछ सॉलिड करते हैं कुछ गैसेज करते हैं सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड रिफ्यूज सॉलिड वेस्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं रिफ्यूज़ इफ़ रिफ्यूज इज़ नॉट डिस्पोजल डिस्पोज ऑफ़ प्रॉपरली इट लुक्स अगली कह रहे हैं अगर ये रिफ्यूज़ जो है अच्छे से डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो वो अगली बुरा दिखेगा स्मेल्स फाउल इसकी स्मेल ख़राब होगी एंड अट्रैक्ट एनिमल दैट इस्प्रेड डिजीजेज और उससे अट्रैक्ट होंगे एनिमल जिससे कि बीमारियाँ होंगी ठीक है नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट डिफरेंट मैथड्स आर यूज टू मैनेज सॉलिड वेस्ट कह रहे सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए कई सारे मैथड का यूज़ करते हैं दीज इंक्लूड उसमें क्या क्या है ओपन डंपिंग लैंड फिलिंग कंपोस्टिंग एंड इंसनेरेशन नेक्स्ट है फर्स्ट ओपन डंपिंग। सॉलिड वेस्ट और गार्बेज इज डम्प्ड इन एन ओपन अनकवर्ड एरिया कह रहे सॉलिड जो वेस्ट होता है उसको हम एक ओपन जगह में यानी जो इन अनकवर्ड एरिया होता है वहाँ पर उसको डालते हैं हाउ एवर अनकवर्ड वेस्ट अट्रैक्ट फ्लाइज अनकवर्ड वेस्ट से कह रहे हैं जो कीड़े मकोड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं रेड्स हैं एंड वर्म्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस फाउल स्मेल जिससे भी बहुत ख़राब स्मेल आती है द ओपन डर्म्स कैन बी अ सोर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज कह रहे हैं जो ओपन डम्प है ये क्या है ये सोर्स है बीमारी होने की यानी कि जड़ है नेक्स्ट है लैंड फिलिंग सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेज एंड इज डम्प्ड आउटसाइड द सिटी ऑन अ पीस ऑफ लैंड और इन अ ह्यूज डिच यानी सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है कई जगहों से और एक जगह आउटसाइड सिटी में रखा जाता है ठीक है ईच डे वन हंड्रेड सेवेंटी सेवन हुआ नेक्स्ट आइए ईच डे एक्स्ट्रा पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट ईच डे द वेस्ट इज डिपॉजिटेड एंड फाइनली द लैंड फिल इज़ कॉम्प्रेस्ड एंड लेवल्ड कह रहे हैं हर दिन क्या होता है वेस्ट डिपोजिट होता है और लैंड फिल जो है वो कम्प्रेस्ड हो जाता है लेवल में कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल किससे कवर्ड हो जाता है वो सॉइल की लेयर से नेक्स्ट है कंपोस्टिंग इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच सम डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिके द ऑर्गेनिक मटेरियल कह रहे कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें जो कुछ डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़राब कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर को जैसे कि प्लांट और एनिमल मटेरियल यू अंडर कंट्रोल कंडीशन एंड कन्वर्ट इन इंटू ह्यूमस कंट्रोल कंडीशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमस में कंपोस्टिंग कैन बी डन बाई द फॉलोइंग मैथड इसके भी कई मैथड हैं एनोरोबिक मैथड एरोबिक और वर्मी कंपोस्टिंग एनारोबिक में है ऑर्गेनिक मैटर इज पुट इन पिट्स एंड इज कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ सॉइल कैर ऑर्गेनिक मैटर को रखते हैं हम पिट में और कवर कर देते हैं सॉइल की लेयर से इन दी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन किसकी एबसेंस में ऑक्सीजन की एबसेंस में द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज होते हैं एरोबिक में क्या ये है एनारोबिक एरोबिक में क्या है दर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देखो एनारोबिक मेथड जो है उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो एब्सेंस में होता है किसके ऑक्सीजन के यानी एयर के और एनारोबिक जो है उसमें ऑक्सी एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ठीक है नेक्स्ट है वर्मी कंपोजिंग। द डोमेस्टिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाई यूजिंग स्पेशल अर्थवॉम इसमें क्या होता है स्पेशल अर्थवाम का यूज़ किया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए वाम्स ईट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड डाइजेस्ट दैम वाम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर लेते हैं खाकर द एक्सक्रीटा ज डोमेस्टिक सीवेज एंड एफ्लुएंस फ्राम फैक्ट्रीज इज ड्रो सेवियर और ड्रेनेज सिस्टम यह सब किससे होता है ड्रेनेज सिस्टम है द लिक्विड सीवेज इज कैरीड अपू वाटर ट्रीटमेंट प्लाट्स ऑफ और सेप्टिक टैंक्स केयर इट इज़ ट्रीटेड एंड वाटर इज़ प्योरीफाइड टू भी यूज़ कह रहे हैं कि ये जो लीकेज है ये कहाँ पर एक टैंक में यानी कि सेप्टिक टैंक होता है उसमें हम ट्रीट करते हैं इसको जिससे हमें वाटर जो है हमारा वो हमें प्योर फॉर्म में पीने के लिए मिल सकता है ठीक है मिलता है नेक्स्ट है एट फर्स्ट द सॉलिड वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट कह रहे हैं सबसे पहले क्या होता है सॉलिड वेस्ट को रिमूव करते हैं लिक्विड वेस्ट से द सॉलिड वेस्ट दपरेटेड इज कॉल्ड स्लग एंड इज कैरी टू द लैंड फिल हैं जो सॉलिड वेस्ट है जो सेपरेट किया जाता है उसको हम स्लग कहते हैं और उसको लेकर जाया जाता है लैंड फिल में वेयर इट इज़ डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ वो डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए नेक्स्ट है इन दी सेकेंड स्टेज अब सेकंड स्टेज में क्या है द लिक्विड वेस्ट इज ट्रीटेड टू मेक द वाटर बायोलॉजिकली सेफ इसमें लिक्विड वेस्ट जो है वो ट्रीट किया जाता है और क्या बनाया जाता है वाटर बायोलॉजिकली को वाटर को सेफ किया जाता है एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया और जो बैक्टीरियाज हैं उनसे वो फ्री हो जाते हैं फाइनली लास्ट में क्या होता है केमिकल्स एंड टॉक्जिन्स आर रिमूव एंड प्योरीफाइड वाटर इज सप्लाई टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो भी केमिकल्स हैं या टॉक्जिन्स हैं वो सभी रिमूव हो जाते हैं और ह्यूमन बींगस को या एनिमल्स को प्योरीफाई वाटर मिल जाता है नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट द डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट सच एज ग्लास बोटल्स प्लास्टिक कैंस पॉलीथीन बैग्स प्लास्टिक बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एटसेट्रा ये सभी जो हैं यानी बायोडिग्रेबल जो वेस्टेज हैं कह रहे हैं पोज इज़ अ बिग प्रॉब्लम इनसे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है सो so, इसलिए वी कैन मैनेज नॉन बायोडिग्रेबल वेस्टेज बाई फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ थ्री एस री रीयूज़ और रिसाइकिल इन थ्री हेल्प की वजह से हम इसको रोक सकते हैं फर्स्ट है रीड्यूज़ रिड्यूस मीन्स यूजिंग लेस एंड देयर फॉर प्रोड्यूसिंग लेस वेस्टेज रिड्यूस मतलब कम कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि आप लेस कम यूज़ करें तो कम वेस्टेज निकलेगा कंजर्वेशन इन वाइज और लिमिटेड यूजेज ऑफ रिसोर्स टू जनरेट लेस वाटर कह रहे हैं आप जो है कम वाटर यूज़ करें फॉर एक्जाम्पल वी कैन बी केयरफुल विद द क्वालिटी ऑफ़ द पेपर वी यूज कह रहे हैं कि हमें याद रहे कि हम किस तादाद में पेपर का यूज़ कर रहे हैं और फेन अ हाफ यूज नोटबुक इज डिस्चार्ज डिस्कार्डेड एन एफेक्टिव सोल्यूशन टू दिस वुड टू बी कलेक्टेड

वो हमारा वेस्ट नहीं खराब नहीं होगा और उसको हम दोबारा से यूज़ में ले लेंगे नेक्स्ट है री यूज़ री यूज़ मतलब री मतलब दोबारा यूज़ इस्तेमाल दोबारा से इस्तेमाल कैसे करें वी कैन री यूज़ सर्टीन थिंग्स फॉर मोर देन वन पर्पज़ कह रहे हैं एक काम से ज़्यादा के लिए भी हम कई सारी मतलब दोबारा से उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं सम थिंग्स दैट वी डू नॉट यूज़ कैन बी यूज़ बाई अदर पीपल कह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं यूज़ कर सकते नहीं करते हैं लेकिन बाकी के जो दूसरे लोग हैं वो उसको यूज़ में लेते हैं हम उसको वेस्ट की तरह फेंक देते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दीज थिंग्स इंस्टेड यानी बजाय चीजों को फेंकने की वी शुड गिव देम टू कैन यूज इन वे कह रहे हमें उन चीजों को उन लोगों को देना चाहिए जो उस चीजों का यूज करते हैं पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट कम्प्लीट हुआ पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन वी कैन री यूज प्लास्टिक एंड ग्लास बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक फॉर स्टोरिंग वाटर कह रहे हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक का और ग्लास की बोटल्स का किसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, लिए जिसमें वाटर को हम स्टोर कर सकें वी कैन गिव ओल्ड बुक्स टू यंगर्स और हमें अपनी ओल्ड बुक्स को यंगर्स को देना चाहिए अपने बड़ों को बच्चों को वी कैन डोनेट ओल्ड थिंग्स टू फ्रेंड्स हु आर नीडी कह रहे हैं हमें वो सारी चीज़ें देनी चाहिए पुरानी अपने दोस्तों को जिसको उसकी ज़रूरत है वी कैन री यूज ओल्ड क्लोथ्स बाई मेकिंग अदर यूजेबल आइटम्स कह रहे हैं हमें अपने पुराने कपड़ों को यूज़ करना चाहिए दूसरी नई चीज़ बनाने के लिए सच है जैसे कि बैग बना लें हम हैंड्र कीफ बना लें एटसेट्रा फ्राम दैम इन में से नेक्स्ट है रीसाइकिल फर्स्ट हमने पढ़ा पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट पर रियूज़ सेकेंड पढ़ा री सॉरी फर्स्ट हमने पढ़ा रिड्यूज सेकेंड पढ़ा रीयूज अब नेक्स्ट हम पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन पे थर्ड पढ़ रहे हैं

They कैन बी recycled एंड यूज अगेन कह रहे हैं हम इसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल्ड वेस्टेज प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर मैनी न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं इससे हमें क्या क्या, -क्या मटेरियल्स मिलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रू है नेल्स हैं पेपर क्लिप्स एट्सेट्रा रिसाइकिल पेपर इज यूज टू मेक न्यू पेपर प्रोडक्ट एट्सेट्रा रिसाइकल पेपर से के प्रोसेस से ही हम पेपर जो न्यू पेपर है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट ये एक्टिविटी है इसको भी रीड कर लीजिएगा एक बार जनरल है नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकिल अब इसके फ़ायदे क्या हैं रिसाइकिल अगर हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या फ़ायदे हैं हमारी लाइफ में रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल सेस लैंड फिल स्पेस कह रहे हैं कि रिसाइकलिंग से जो हमारी लैंड है वो फिल होने से यानी उसकी जो जगह है वो बचती है मैनी सिटीज़ आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ प्लेस टू डिस्पोज ऑफ़ देयर वेस्टेज़ कह रहे हैं काफ़ी जगहों पर शहरों में देखा जाता है कि हमारे पास वेस्ट यानी कि जगह नहीं है जहां पर हम वेस्ट डाल सकें तो कह रहे हैं मैनी लैंडफिल्स आर बींग क्लोज बिकॉज दे आर कॉजिंग पोल्यूशन और आर बिकमिंग फिल फिल फुल कह रहे कि अब क्या किया है लैंडफिल जो है उसने मतलब यानी कि उसको क्लोज कर दिया है जिससे कि अगर हमारी वो लैंडफिल क्लोज़ रहेगी तो हम वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रीयूज में ले, ले लेंगे और आ, जो भी हमारी गंदगी है उससे हम बच सकेंगे नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी रिसाइकलिंग ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूज दी पॉल्यूशन डेट में कॉज बाई डिस्पोजिंग ऑफ एरियाज वेस्ट कैरे रिसाइकिलिंग जो है वो मदद करती है हमारी पॉल्यूशन को भी रिड्यूज करने में यानी कि जो हम प्रदूषण हो रहा है उसको भी रोकती है उससे भी हम बच सकते हैं रिसाइकलिंग से फॉर एग्जाम्पल ओल्ड बैक्टीरिया जैसे पुराने बैक्टीरियाज हैं पेंट्स हैं मोटर ऑयल कंटेंस हार्मफुल सब्सटेंस इनमें बहुत हार्मुल हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं इम प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दिज सब्सटेंस में कॉज कंटमिनेशन ऑफ वाटर इससे क्या होता है हमारा जो वाटर है वो ख़राब होता है रिसाइकलिंग सेव्स नेचुरल रिसोर्सेज दैट वुड बी यूज टू मेक टोटली न्यू प्रोडक्ट यानी रिसाइकलिंग से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सेफ होते हैं और न्यू प्रोडक्ट जो है उससे बनते हैं पूरी तरीके से फॉर एक्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव्स ट्रीज अगर हम पेपर को रिसाइकलिंग करें तो वो उससे ट्री बचेगा क्योंकि ट्रीज से ही हमारे पेपर्स बनते हैं नेक्स्ट है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज कुड बी सेव्ड यानी हज़ारियों या सौ so, यूट पेड़ जो है वो हम बचा सकते हैं इफ़ ऑल न्यूज़ पेपर वर रिसकिल अगर सभी न्यूज़पेपर को रिसाइकिल कर दिया जाए री में ले लिया जाए एक्सरे मेटल्स लाइक आयरन एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स कह रहे हैं कि आयरन एल्यूमिनियम कॉपर का यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए दीज मेटल्स आर फाउंड इन नेचर ये मेटल्स जो हैं ये नेचर में पाए जाते हैं दे आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ अर्थ से निकलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स डिड यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स दैट हैव टू बी डग आउट इट ऑल्सो सेव्स द लैंड फ्राम बींग फॉलोड बाई माइनिंग कह रहे हैं कि इससे जो है हमारी लैंड जो है वो भी बचती है ठीक है नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइजेस पर अब हमें एक्सरसाइजेस करनी है फर्स्ट में टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑफ दी फॉलोइंग आइटम्स इज़ नॉट बायो नॉन बा नॉट बायोडिग्रेडेबल कह रहे हैं इसमें से वो कौन सा आइटम है जो नॉट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है सॉरी बायोडिग्रेडेबल नहीं है नॉट नहीं नॉन नहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो वो है हमारा ब्रोकिन मिरर ठीक है एक यूकबार टूडिया तो हम इसको पेस्ट नहीं कर सकते हैं विच प्रोसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन वेस्ट मैनेजमेंट कह रहे कौन सा प्रोसेस है जिसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते वेस्ट मैनेजमेंट में लैंड फिलिंग वॉट प्रोसेस इन्वॉल्व रिक्लेमिंग लैंड फॉर अदर प्रोसेस ये भी लैंड फिलिंग है हमारा बैग्स आर पॉलीथिन बैग्स क्या हैं सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट या फिर गैशियस वेस्ट या नॉन ऑफ दिस तो पॉलिथिन बैग्स जो हैं वो क्या हैं सॉलिड वेस्ट ठीक है ये हो गया फोर्थ नेक्स्ट जाइए पेज नंबर 141 पे फिफ्थ है वी कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्टेज बाय यूजिंग यानी कि हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन को जो वेस्ट होती है किसके हेल्प से पॉलीथीन बैग्स इन प्लेस ऑफ क्लोथ बैग पॉलीथीन बैग का हम यूज़ कर लें क्लोथ के बैग बना लें नेक्स्ट है द रिफ्यूज कैन बी डिस्पोज ऑफ बाई रिफ्यूज है वो डिस्पोज होता है uh, किसके जरिए ओपिंग डंपिंग भी है सैनिटरी लैंडफिल भी है और इंसिडिनेशन भी है ठीक है तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस फिल इन दी ब्लैंक सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट जो है वो क्या कहलाता है नॉन बायोडी नॉन बी आई ओ बायो डी ई डी जी आर ए ग्रे टेबल सेकेंड है डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग मटेरियल फ्राम द वेस्ट दैट कैन बी रीयूज ये प्रोसेस है मटेरियल को हासिल करने का जो भी रीयूज कर सकते हैं वो क्या है कौन सा प्रोसेस था रीसाइकिल आर ई सी वाई सी एल ई रीसाइकिल नेक्स्ट थर्ड है द रेस द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इंटू मैन्यर मटीरियल का मैन्यूर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो क्या है बायोडिग्रेडेबल बी आई ओ डी ई जी आर ए ग्रे डी ए बी एल बायोडिग्रेडीब स्पेलिंग नहीं समझ में आया तो पीछे से चेक कर सकते हैं नेक्स्ट है डैश लुक्स आफ्टर द सैनिटेशन एंड क्लीननेस एट विलेज ये हो जाएगा हमारा डिस्पोजल डिस्पोजल से दिखता है द लिविंग क्रिएचर्स यूज फॉर कंपोस्टिंग आर कॉल्ड वो क्या है हमारे वर्मी कंपोस्टिंग लिविंग क्रिएचर्स इसमें आते हैं वर्मी वर्मी कंपोस्टिंग सिक्स है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर डैश इन नेचर ये कैसे होते हैं नेचर में यानी कि रिसाइकिल दोबारा से उसको हम यूज कर, में ले सकते हैं नेक्स्ट है राइट रॉक रिस डिक्रीज पॉल्यूशन राइट सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट राइट रिसाइकल से हमारा पॉल्यूशन कम हो रहा है सीवेज जो है लिक्विड वेस्ट है द कंसिस्ट ऑफ थ्री एयर्स इज री रिसाइज रीयूज रिसाइकिल नहीं वो क्या क्या थे हमारे अभी हमने जस्ट पढ़े थे रिड्यूज रीयूज और रिसाइकिल टू इसमें ठीक है रीयूज रिसाइकिल लेकिन रिसाइज नहीं reduce है रिड्यूज है फोर्थ है द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोज यूजिंग रेड फॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग नो फॉल्स वेस्टेज दैट आर जनरेटेड फ्राम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कह रहे हैं वो वेस्टेज जो जनरेट होते हैं लिविंग थिंग्स से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये क्या है हमारा रॉन्ग नहीं बायोडिग्रेडेबल है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल सेल स्पेस रिसाइकलिंग जो है वो लैंडफिल स्पेस को फिल करने से बचा रही है ट्रू मैचिंग है फर्स्ट है लैंड फिलिंग ये हमारा मैच हो जाएगा मैथड मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सेकेंड है हमारा फिर इसमें बायोडिग्रेडेबल मेकिंग यूजफुल थिंग्स फॉर वेस्ट सॉरी सेकंड बायोडिग्रेडेबल जो है वो कॉटन क्लोथ्स आ जाएगा रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग में हम दूसरी नई चीजें बनाते हैं नेक्स्ट है फोर्थ हमारा रीयूज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और फिफ्थ है प्लास्टिक सेकंड आर फिफ्थ नेक्स्ट है आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है वॉट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था पेज नंबर है वन सेवन पर चेक करिए मेरे साथ पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी सेवन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर टी कम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटू सिंपलर कंपाउंड ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इंटू कॉम्पोज इज कम्पोज सॉरी सिर्फ यहाँ तक लिखना है आपको यहाँ तक वो कम्पोज है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ये बायोडिग्रेबल और नॉन भी बताने हमें ये हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट इज नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है ये पूरा हो गया हमारा आंसर नंबर वन पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी सेवन पे नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर क्वेश्चन नंबर टू हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ लैंड फिलिंग लैंड फिलिंग बी हेल्पफुल टू अस कह रहे हैं जो लैंड फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए तो देखिए यहाँ हमने पढ़ा था पेज नंबर 137 पर देखिए यहाँ पर है सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड इज द सिटी ऑन अ पीस ऑफ लैंड और अ लार्ज और अ पीस ऑफ लैंड और इन अ ह्यूज डेज ईच डे यहाँ से ले रहा है आपको ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर टू नेक्स्ट पेज पर आ जाइए पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट ईच डे द वेस्ट इज डिपोजिटेड एंड फाइनली द लैंड फिल इज कम्प्रेस एंड लेवल्ड कवर्ड विद लेयर ऑफ सॉइल ठीक है तो पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी सेवन से लेकर पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट तक इसका हमारा आंसर है ठीक है पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी सेवन टू पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट नेक्स्ट है नेम थ्री वेस्ट प्रोडक्ट दैट कैन बी रिसाइकिल्ड हमें इसमें थ्री प्रोडक्ट बताने हैं जो हम रिसाइकल जिसका हम कर सकते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए मैं इसका यहीं लिख देती हूँ आंसर लिखेंगे थ्री वेस्ट प्रोडक्ट दैट कैन बी रिसाइकिल्ड आर ये डैश लगाएंगे फिर नेक्स्ट लिखेंगे क्या क्या हैं वो पील्स ऑफ फ्रूट पील्स ऑफ फ्रूट ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे वेजिटेबल्स और ओल्ड क्लोथ्स थ्री लिख लेते थे हमें नेक्स्ट है फोर्थ एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये भी हमने आपको करवा दिया है तो इसको कैंसिल कर दें एक्सप्लेन द थ्री एस और वेस्ट मैनेजमेंट देखो ये अभी जो हमने रिड्यूस रियूज पढ़ा है पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट से लेकर पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन पर इसका आंसर है कि थोड़ा सा लेंदी होगा सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये यह लिखेंगे The of reduce, reuse and recycle. यहां से लेकर पहले यहां तक आंसर ये आंसर है हमारा आंसर नंबर आई थिंक फोर ठीक है फोर नहीं आई थिंक फाइव ठीक है ये आंसर नंबर है हमारा फाइव फोर कैंसिल है ये लिखने के बाद फर्स्ट सेटिंग डालेंगे रिड्यूस। रिड्यूस मीनिंग यूजिंग लेस एंड देर फोर प्रोड्यूसिंग लेस वी वेस्टेज सेकेंड डालेंगे बस इतना ही लिखेंगे फर्स्ट में सेकेंड है रियूज वी कैन रियूज सर्टेन थिंग्स फॉर मोर देन वन परपेज ठीक है नेक्स्ट पेज नंबर आ जाइए वन हंड्रेड थर्टी नाइन तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और नेक्स्ट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 139 में रिसाइकिल रिसाइकिल इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट दैट कैन बी रीयूज बस ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट आंसर नंबर फाइव यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 140 पर ही व्हाट आर दी टू इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल एक्सप इसको भी कैंसिल कर दें बहुत लॉन्ग आंसर है तो आपको सिक्स क्वेश्चंस में से ये फोर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री मैंने यही नोट कर दिया है क्वेश्चन नंबर फोर कैंसिल करना है क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर देना है क्वेश्चन नंबर सिक्स कैंसिल करना है ठीक है यहाँ पर हम लोग का जो फाइनल का एग्जाम का जो सिलेबस था वो कम्प्लीट हो गया कॉपी में क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट करेंगे ठीक है फाइनल कोर्स कंप्लीटेड फाइनल कह सकते हैं या फिर हमारा ये क्या है एस ए टू ठीक है तो यहाँ तक अपना वर्क सभी को कंप्लीट करना है थैंक यू